संताल में बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग भाई नौजवान साथी मियां नवाज शरीफ के शेरों में आपकी खिदमत में सलामत करता हूँ। मेरे शेरों ये बताओ कि कर्नल वकार को दोबारा जिताओगे? कर्नल वकार ने आपकी खिदमत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? आप ये साबित करोगे कि आप बरादरी के नाम पर खड़े होने वाले कैंडिडेटों को और रोज रोज जमाते बदलने वाले लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे? वही बनाएंगे हम दोबारा हम मुस्लिम लीग को लेकर आएंगे। हम खिदमत का वो खिदमत का सफर जो राजा फारूक हैदर की कमान में हमने 5 साल पहले इस रियासत में शुरू किया उस तमीर और तरक्की के सफर को हम दोबारा जारी जारी रखेंगे और इंशाल्लाह करप्ट और लुटेरों को दोबारा नहीं आने देंगे। हम कश्मीर का सौदा करने वालों को कश्मीर की सरजमीन पर कदम नहीं जमाने देंगे और नहीं जमाने देंगे ना। मेरे भाइयों मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों मेरे चाहने वालों मेरे भाइयों बुजुर्गों आपने दोबारा ये साबित करना है कि आपके वोटों का एक ही बंदा है और वो है कर्नल वकार अहमद और हमने कर्नल वकार अहमद को इंशाअल्लाह दोबारा पार्लियामेंट में भेजना है और कश्मीर के असेंबली में वो जाकर जिस तरह पिछले 5 साल कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते रहे हैं इंशाअल्लाह अगले 5 साल भी हम दोबारा कर्नल वकार अहमद को कश्मीर में असेंबली में भेजेंगे और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो नलायक लाहे जो पाकिस्तान में मुसल्लत शुदा टोला है जो कठपुतली वजीर आजम है उसके हवारियों को हम इस पाक रियासत आजाद कश्मीर में कदम नहीं जमाने देंगे। हम मकबूजा कश्मीर के अपने मुसलमानों से गद्दारी नहीं होने देंगे। हमने इस रियासत की भी जंग लड़नी है और हमने पाक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की भी जंग लड़नी है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो इंशाल्लाह 25 तक मैं मेरी तमाम टीम इंशाल्लाह आपके जाना बशाना रहेंगी। हर काउंसिल में हर गली मोहल्ले में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और इंशाल्लाह हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी।